जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद अब अवैध कब्जों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। 3 घंटे के अंदर अवैध कब्जों से अवैध इमारतों को, दुकानों को ढहा दिया गया। भारी पुलिस की मौजूदगी के बीच बुलडोजर चला। MCD ने 2 दिनों का बुलडोजर चलाना था। 20 अप्रैल को सुबह 8:45 पर एक कार्रवाई शुरू हुई, जहां 7 JCB मशीनों से बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़े गए। इस अवैध निर्माण में किसी ने अपना घर खोया तो किसी ने दुकान। मेरी जो है बाइक की शॉप है, ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। इन लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ना ही तोड़ा जाए ना ही कुछ करा जाए, 1-2 दिन बाद के बाद देखा जाए, लेकिन इन लोगों ने ना ही सुन के उसके बावजूद भी ये सब तोड़फोड़ मचा दी और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा दिया, सारा कुछ तोड़ताड़ के अलग कर दिया और एक एक कर बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। और इस बीच कुछ तस्वीरें ऐसे भी दिखी जिसने कई परिवारों को दर्द दिया है। सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण किराए जाने के मामले में यथास्थिति के आदेश दिए, लेकिन कहा गया कि उन आदेश की पालना नहीं हो पाई और इस दौरान कई बुलडोजर अवैध निर्माण को तोड़ने में लगे रहे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई भी करेगा, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। मस्जिद के बाहर से अवैध निर्माण और कब्जे को हटाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि जब तक मंदिर के बाहर पहुंचे तो बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन अब सवाल बुलडोजर पर एक पक्षी कार्रवाई के उठने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई एक पक्षी थी, इसमें एक हिंदू शख्स की दुकान भी तोड़ी गई। मेरा नाम गणेश कुमार है, DDA के अलॉटमेंट 1977 से पूरी कागज है मेरे पास, फिर भी तोड़ रहे हैं। कागज देखने को तैयार नहीं हो रहा, कोई नोटिस नहीं दिया गया, मेरे नोटिस नहीं दिया, पूरी कागज 1977 की दुकान है, DDA के अलॉटमेंट दुकान है, पूरी कागज, कोई ऑर्डर नहीं आया, तोड़ेंगे पूरी कागज। मैं कर रहा हूँ, कागज दिखा रहा हूँ, मैं कागज नहीं दे रही, मेरा नाम गणेश कुमार है, मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है, दुकान तोड़ रहे हैं, दुकान तोड़ के जा रहे हैं, कागज दिखा रहा हूँ तो कागज नहीं लेने के लिए तैयार हो रहे। आपको कोई ऑर्डर आया है? मेरे को कोई ऑर्डर नहीं है, हमारी पक्की दुकानें पे थे, मकाने अलॉटमेंट हुई है, दुकानें अलॉटमेंट, किसी मकान तोड़ने जा रहे हैं, पक्की दुकान तोड़ रहे हैं, पक्की DDA के सामने, DDA की गुप्ता जूस का यही दुकानी है, गुप्ता जूस कॉर्नर के नाम से, कागज दिखा रहा हूँ, कागज देखने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं, देखिए लगा रहे हैं, कागज देखिए बोले, कागज देखिए सर, नाजायज नहीं होगा, 2 मंजिल कागज है मेरे पास, किसने बताया कि आप कह रहे हैं 2 मंजिल का कागज है, कागज देखने को तैयार होइए, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हो रहा। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई के बाद जो दिखा उसके बाद बस दर्द था। कुछ लोगों ने बुलडोजर चलने पर भी सवाल उठाए। मैंने गलत हुआ है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर उनको इन्फॉर्म करते एटलीस्ट, क्या उसके छज्जे हटाए नहीं जा सकते थे? अगर इतना ही दर्द तो मंदिर में घुसकर जो कार्रवाई की, देखी जिस तरीके शांतिपूर्ण तरीके से, क्या मस्जिद के हम लोग शैडो को हटवा सकते थे कि भैया आप हटा लीजिए, इससे अराजकता बढ़ती है। देखो इस पूरी गली में सिर्फ एक अकेला हिंदू है, कोई हिंदू नहीं है, तो जहाँ कम्युनिटी ज्यादा होगी नुकसान तो जाहिर सी बात उन्हीं का होगा। हिंदू जब मैं अकेला हूँ तो अकेला मेरी नुकसान की बात भी नहीं सकती, इसलिए तो सबका ही नुकसान हुआ, मेरा तो वही हुआ है, तो दिखी रहा है, पर एक मेरे को जो है गलत लगी है साहब, क्योंकि सबको ईश्वर ने दिमाग दिया है और सोचने समय शक्ति दी है, तो अगर प्रशासन चाहता ये अनाउंस कर सकता था पहले कि कल यहाँ पे जो है बुलडोजर चला जाएगा, तो आप अपने सामान को हटा लीजिए, शर्ट हटा लीजिए, क्या क्योंकि मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन आरोप है कि मंदिर के बाहर से कोई अतिक्रमण या वेद कब्जे को नहीं हटाया गया है।